एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी एंड आज का वीडियो है एक गेट रेडी विद मी एंड आई होप आपको पसंद आएगा। आज का वीडियो गेट रेडी विद मी फॉर अ बर्थडे लंच है, ना कि कोई वेडिंग या किसी फंक्शन के लिए। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है एंड मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ एंड मैंने सोचा मैं आपको भी साथ में लेके चलूं। एंड जो थॉट प्रोसेस है बिहाइंड कि मैंने क्या सोच के क्या पहना नहीं पहना, सो आई लेट यू नो एवरीथिंग एंड या नाउ लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट थिंग जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है मेकअप। मेकअप मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सा मेकअप है लाइक जो आप अपने डे टू डे में वेयर कर सकते हो। सो सबसे पहले मैंने अपने बाल पीछे कर लिए हैं ताकि मुझे मेकअप करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो बालों की वजह से। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड मैंने गुलाब जल स्प्रे कर लिया है। आपने मेरे बाकी के मेकअप वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं गुलाब जल स्प्रे करती हूँ। सो मैंने गुलाब जल स्प्रे कर लिया है एंड नाउ मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी लैक्मे का। दिस इज़ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये लाइक गर्मियों के लिए भी एंड ठंडी के लिए भी। सो या नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। दिस इज़ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड इट्स इन शेड 128 वॉर्म न्यूड एंड या दिस इज़ माई शेड एंड ये मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ करूँगी जस्ट लाइक नोज के पास एंड अंडर माई आईज एंड दैट्स इट एंड अपने फोरहेड पे भी एंड इट्स लुकिंग क्वाइट टैंड। And I'll apply it using my fingers only. Next, I'll be using Maybelline ka Fit Me like face powder just to set my foundation a little bit ki wo zyada move na kare agar thoda bahut bhi sweat aaye to. And I feel ki फाउंडेशन लगाने के बाद चाहे आप थोड़ा सा ही लगाओ पाउडर उसको करना ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। Just a little bit and I'll mix it up. So first I want to do my eyes and उसके लिए मैं ये brown pencil use कर रही हूँ। This is from Lotus and मैंने बहुत पहले लिया था तो मुझे नहीं पता कि ये अभी मिलता है या नहीं। I'll be using this L18 का काजल। Now I'm using this blue eye pencil or सॉफ्ट काजल आई लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज़ क्वाइट नाइस। मैंने इसे यूज़ किया पहले भी एंड मतलब मैंने इसे एक बार यूज़ किया हुआ है एंड ये स्मज नहीं होता जल्दी से, सो आई काइंड ऑफ लाइक इट सो मच एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। सो या नेक्स्ट सिंपली आई एम यूजिंग वन लिपस्टिक। दिस इज फ्रॉम कलर बार इन शेड आउटरेज 005। दिस इज द लिपस्टिक एंड आई एम इन लव विद दिस शेड। दिस इज सो ब्यूटिफुल, ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है एंड दिस इज अमेजिंग। सो आई एम यूजिंग दिस एज लिपस्टिक एंड एज ब्लश एज वेल। इट्स लुकिंग क्वाइट शाइनी इन वीडियो बट it's quite matte and using same as blush as well. Not too much because I don't like too much of blush but just a little bit ki lagna chahiye kuch hai but aisa bhi nahi ki kuch zyada hi hai. And yeah, one more thing, last, I want to use just a little bit of brow pencil. So this is my makeup for today and I just love simple, easy, dewy and aap ise daily wear kar sakte ho. I hope ki aapko ye makeup acha laga hoga. Now let's move towards the jewelry. For jewelry, I'm wearing these hoops, silver hoops. These are from, I forgot
maybe I'll mention it in description box. You can check it out. For hair, I'll just let it open. मैंने दो या तीन दिन पहले से स्ट्रेट किया था एंड ये अभी तक ठीक ठाक स्ट्रेट हैं. So I'm leaving them as is. Yeah, this is the whole my face look like, and let's move towards the shoes, outfit, bag, and so this is my outfit. Shirt is from Ajio, polka dot hai isme chote chote, and jeans ye maine khud hi DIY kiya hai, like wide leg dual tone jeans apne channel pe, and ye jeans mujhe bahut appropriate laga किसी भी बर्थडे लंच के लिए, एज बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है. एंड या दिस इज़ दी आउटफिट. शर्ट इन करना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एज मुझे लगता है पूरी आउटफिट तुरंत ही लाइक विद इन सेकेंड्स अपलिफ्ट हो जाती है, आपको थोड़ा सा हाइट भी ऐड करता है. एंड या फॉर शूज़ मैं ये वाइट स्नीकर्स पहन रही हूँ फ्रॉम खादिम्स, एंड दिस इज़ लाइक क्वाइट ब्यूटिफुल स्नीकर्स. एंड फॉर बैग आई एम कैरिंग दिस एलन सोली का लैवेंडर कलर का बैग, एज बैग का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, एज थोड़े से एसेंशियल्स कैरी करने को बड़े हो गए, ज़्यादा हो गए आई गेस, लाइक सैनिटाइजर, मास्क एंड वाटर बॉटल, एवरीथिंग कैरी करना होता है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बड़ा बैग. एंड या दिस इज़ दी फाइनल आउटफिट, एंड आई जस्ट लव दी होल वाइब एंड होल लुक. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, एंड एक बर्थडे लंच के लिए अप्रोप्रिएट है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू ऐड अ मास्क. लाइक मेरी आउटफिट थोड़ी सी न्यूट्रल हो जा रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल मास्क ऐड किया है. इस मास्क का DIY भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. एंड या दिस इज़ द होल लुक, लाइक द फाइनल आउटफिट. ये पहन के मैं जा रही हूँ. एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, एंड आपको सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा. एंड जल्दी ही आजियो हॉल आने वाला है, सो वेट फॉर इट. एंड या बाय एंड टेक केयर.